इस कहानी में लेखक राहुल संकृत्या जी ने अपने तिब्बत की यात्रा हमारे साथ शेयर की है, तो इस कहानी में हमें बहुत मजा आने वाला है। हम खूबसूरत वादियों में घूमेंगे और हर एक उस एहसास को दिल से फील करेंगे जो लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा में महसूस किए। तो यात्रीगण अपनी सीट की पट्टी बांध लें और चलो तिब्बत चलते हैं। लेखक ने तिब्बत की यात्रा 1930s में की थी और उस समय ना ही भारत से तिब्बत जाने का कोई सीधा रास्ता था और ना ही भारतीयों को तिब्बत जाने की परमिशन ही थी। तो लेखक ने छुप छुप के नेपाल के रास्ते तिब्बत जाने की यात्रा कंप्लीट की थी, वो भी अपना वेश बदल के भिखमंगों की वेश में। खैर उस समय तिब्बत जाने का एकमात्र यही रास्ता था, यहीं से नेपाली और लेखक जैसे छुप छुप के भारतीय लोग भी तिब्बत जाया करते थे। और तो और आने जाने के लिए सेना के जवान भी इसी रास्ते का इस्तेमाल किया करते, इसीलिए तो यहाँ जगह जगह पर सेना की चौकी है जहाँ कभी चीनी सेना रहा करती थी। लेखक बताते हैं, पता है तिब्बत की सबसे खास बात क्या है? वो ये है कि यहाँ पे जात पात ऊंच नीच का कोई भी सिस्टम नहीं है, सब एकदम एक बराबर हैं। और तो और तिब्बत में औरतें पर्दा भी नहीं करती, तो ये औरतों के लिए तो अच्छा है ही और लेखक के लिए भी अच्छा ही है। समझ रहे हो आप? खैर तिब्बत के लोग ना बहुत प्यारे हैं। अपरिचित होने के बाद भी अगर आप किसी भी घर का दरवाजा खटखटाएं और कहें, माते हम भिक्षु हैं, हमारे पास खाने का कुछ सामान है, क्या आप उन्हें पकाने की कृपा कर देंगी? और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो घर की बहू या सास आपको बहुत ही लजीज गरम गरम खाना पका के दे देंगी। लेकिन तिब्बत में चोर और डकैतों के डर से लोग लेखक जैसे भिखमंगों के वेश वालों को अपने घर में रुकने की तो परमिशन नहीं देंगे यार। और एक बार तो लेखक और उनके दोस्त ठोडला पहुंचने ही वाले थे, जो कि तिब्बत में इंटर करने पे सबसे पहला स्थान था, लेकिन शाम होने की वजह से ठोडला से एक गाँव पहले ही रुकना पड़ा। लेकिन खुशी की बात ये थी कि लेखक के दोस्त सुमिति की जान पहचान होने की वजह से उन्हें भिखमंगों की वेशभूषा के बावजूद रुकने की एक अच्छी खासी जगह मिल गई। वरना 5 साल बाद तो जब लेखक और उनके दोस्त वापस आ रहे थे तो उन्हें उस ठंड में रुकने की कोई जगह ना मिली, जबकि उन्होंने इस बार भिखमंगों का वस्त्र भी नहीं पहना था और मजबूरी में उन्हें एक छोटे से झोपड़े में शरण लेनी पड़ी। अब तिब्बत के लोग आपको अपने घर में रुकने देंगे या नहीं, ये तो समय समय की बात है, क्योंकि अगर आप शाम के 6 बजे के बाद किसी के घर में जाओगे तो शायद ही ऐसा कोई घर मिले जहां लोग पी के टुन्न ना हो। तो अगले दिन हमें तिब्बत में प्रवेश करने के लिए थाड़ा पहुंचना था, और थाड़ा पहुंचने के लिए हमें एक बहुत ही ऊंची सी पहाड़ मतलब ठोडला पार करना था। कन्फ्यूज मत होना यार, थाड़ा एक जगह का नाम है जहाँ लेखक को पहुँचना है तिब्बत में प्रवेश करने के लिए, और ठोडला मतलब होता है एक बहुत ही ऊंचा सा पर्वत। वैसे पता है थाड़ा पहुंचने के लिए लेखक को जो ठोडला मतलब वो बहुत ही ऊंचा सा पहाड़ पार करना था ना, उसकी ऊंचाई 16 से 17 हजार फीट थी, और इतनी ऊंचाई में ना कोई गांव होते हैं और ना ही कोई लोग। यहाँ मिलते हैं केवल और केवल डाकू, क्योंकि यहाँ पे कानून व्यवस्था बना पाना बहुत ही मुश्किल काम है, और इसी बात का फायदा उठाते हैं वहाँ के डाकू जो पहले तो आपका मर्डर कर देंगे। बच गया साला। फिर देखेंगे कि आपके पास कुछ है भी या नहीं, लेकिन लेखक को डाकुओं का तो डर नहीं था। जहां भी कोई डाकू हाथ में बंदूक लिए पास आते दिखता, वहीं अपनी टोपी उतारते, जीभ बाहर करते और शुरू हो जाते, दया करो बाबू दया करो, करोड़ों साल से भूखे हैं, एक पैसा बस एक पैसा दे दो। तो लेखक को डाकुओं का तो डर नहीं था, हाँ डर था तो 17,000 फीट की उस ऊंचाई का। तो अगले दिन सुबह सुबह थाड़ा ठोडला के लिए लेखक निकल पड़ते हैं, लेकिन उस ऊंचाई को देखते ही लेखक ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए और अपने दोस्त सुमिति से कहा, देख भाई हमसे ना हो पाएगा, एक काम करो 2 घोड़ा ले लो, कम से कम वो सामान तो उठा ही लेंगे। बहुत ही मुश्किल से कहीं जाकर हमने चढ़ाई पूरी की, और अब अरे अब क्या, अब तो ढलान थी, अब हम घोड़े में चढ़ गए और झूमते झूमते चलने लगे। वैसे लगता है मुझे ना कोई चाइनीज घोड़ा मिला था, कभी सबसे आगे निकल जाता तो कभी फुस बोलकर सबसे पीछे ही हो जाता, और उसे मार देता तो बेचारा सुस्त पड़ जाता। अब मैं और मेरा घोड़ा दोनों थकान के नशे में झूमते झूमते बस चलते जा रहे थे, पता ही नहीं चला कि कब मैं रास्ता भटक गया
और तभी किसी ने बताया कि मैं तो 1-1.5 मील गलत रास्ते में आ गया हूँ। मैं फिर उस सुस्त घोड़े के साथ वापस गया और सारा रास्ता दोबारा तय किया। वापस पहुँचते पहुँचते शाम के 5 बज गए थे। थोड़ी देर बाद रास्ते में मैंने देखा कि कोई टमाटर जैसे लाल शक्ल के साथ किसी का इंतजार कर रहा है। ध्यान से देखा तो पता चला, अरे ये तो मेरा दोस्त समती है। वो गर्म होके फट पड़ा। मैंने 2-2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय गर्म किया। मैंने बहुत प्यार से कहा, दोस्त देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे घोड़ा इतना सुस्त मिला था। मुझे तो लगा पता नहीं ये सुस्त घोड़ा मुझे रात तक पहुंचा भी पाएगा या नहीं, या कहीं यहीं रास्ते में इसकी जान ना निकल जाए। खैर थोड़ी देर में सुमिति का गुस्सा शांत हो गया। वैसे सुमिति ने वहाँ भी अपने दोस्त बना रखे थे। हमने हपेज के गरम गरम खाना खाया और फिर जो सोए तो पता ही नहीं चला कि सुबह कब हो गई। तो थाड़ा ठोडला पार करने के बाद अब हम टिढारी के विशाल मैदान में थे। और अभी तक तो सुमिति के दोस्तों की वजह से हमें फायदे ही फायदे हुए, लेकिन अब हमारे सुमिति को उसके और भी दोस्तों से मिलने जाना था जो इधर उधर के गांव में थे, जिसमें 4-5 दिन लगने वाले थे। और यार वो तो रास्ते में भी नहीं आ रहे थे। मैंने कहा, भाई सुन, तू अपना दोस्ती आना कभी बाद में निभा लेना। उसने कहा, ना। मैंने कहा, भाई प्लीज ना। लेकिन वो माना ही नहीं। तो मैंने कहा, अच्छा चल यार, मैं तेरे को ना लहासा पहुँच कर कुछ पैसे दूंगा। लो फिर किस बात की देर थी, वो तो झट से मान गया। हमने फिर घोड़ा खोजने की कोशिश की, लेकिन इस बार हमें कोई सुस्त सा पिछली बार जैसे एकदम लुल्ल सा घोड़ा भी ना मिला। अब घोड़ा खोजते खोजते तो दोपहर के 12 बज चुके थे और सूरज भी मानो अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शन में था। मैं ना आपको बता नहीं सकता हूँ कि 2 बजते बजते हमारी क्या हालत हो चली थी। एक तरफ से सूरज चेहरे को तपा रहा था और दूसरी तरफ से बर्फ ना पीठ को कुड़कुड़ा दे रही थी। यार मतलब समझ नहीं आ रहा था कि बोलूं क्या, ठंड लग रही है या गर्मी। अब सुमति की दोस्त यहाँ टिढारी में भी थे। उसने कहा, यार राहुल अब इनसे तो मिलने दे यार, ये तो रास्ते में आ रहे हैं ना। मेरी भी हालत चल चल के एकदम खराब हो गई थी और मैंने कहा, चल ठीक है यार मिल लेते हैं। वहाँ सुमति एक भिक्षु से मिलने गया। वे बहुत ही अच्छे इंसान थे और हमारे भिखारियों के कपड़े के बावजूद इतनी इज्जत दी, तो मतलब वो तो एकदम महान इंसान ही रहे होंगे। खैर वहाँ ना एक बहुत ही अच्छा सा मंदिर था। मैं वहाँ गया तो देखा वहाँ पे हाथों से लिखी हुई बुद्ध वचन के 103 अनुवादों की किताब थी और मैं उनमें कहीं खो गया। तभी सुमति फिर से आया और कहा, भाई मैं अपने एकाध दोस्तों से और मिलाऊं क्या, मैं तो अब किताबों की दुनिया में कहीं खो गया था। और कहा, हाँ हाँ भाई जा, आराम से जा, आराम से आना। अगले दिन सुमति सुबह सुबह निकल पड़ा। मैं सोच रहा था कि इसे कम से कम 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, लेकिन वो तो उसी दिन दोपहर में वापस आ गया। वैसे टिडारी गांव वहाँ से दूर ना था और हमने अपना अपना सामान उठाया, भिक्षु से विदाई ली और फिर क्या वहाँ से चल पड़े। तो बस यहीं पर ख़त्म हो जाती है हमारी कहानी लहासा की ओर। तो लेखक कहाँ कहाँ गए थे एक बार हम माइंड मैप देख लेते हैं। तो लेखक ने 1930s में ये यात्रा की जिसमें वो नेपाल के रास्ते से तिब्बत की ओर जाते हैं। सबसे पहले उन्हें ठाड़ा पहुंचना था, जिसके लिए उन्हें ठोडला मतलब एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ पार करना पड़ता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 16-17 हजार फीट थी। उसे पार करके कहीं जाके लेखक ठिडारी पहुँचते हैं। तो लेखक की यात्रा तो अभी लंबी चलेगी, लेकिन हमारी बुक में यहीं पर ख़त्म हो जाती है ये कहानी। तो बस आज के लिए इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।